न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावी। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। तमाम सुलेमान नगर डिवीजन के लेडीज, मेरे माँ बहना और जो भाया दोस्ता, जितने भी पार्टी के वर्कर्स है, जिम्मेदार लोग है, इन लोग इंतजार कर रहे थे हमारे प्रकाश साहब का। जैसा रिजल्ट आगा, प्रकाश साहब जीत गए, उनके पूरे लोग जमा हो गए, 100-200 लोग मेरे ऑफिस में जमा हो गए। अब जश्न मनाए, फटाके बोले, मिठाया तकसीम किया, फूल फूल गुलबोशी किया, शालबोशी किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सुलेमानगर के डिवीजन के आल कमेटीज और आल पब्लिक को मुबारकबाद देता हूँ। प्रकाश अल्लाह को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे बड़े जितने भी हैं हमारे साथ के, सबको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जय तेलंगाना, जय जय PRS, जय प्रकाश अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे माओ बहनों, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले मुबारकबाद दे रही हूँ प्रकाशगढ़ साहब को। हम सब चिंतन में के सुलेमान नगर के लेडीज़ के तरफ से शुक्रिया अदा करते, मुबारकबाद देते हैं आपको। और जो मेरे माओ बहनों सब मेहनत करे हैं, इतनी मेहनत करे हैं कि हम लोग खुद सोच रहे थे कि अगर नहीं आए तो, बल्कि हम रात दिन दुआ कर रहे थे आपके लिए। प्रकाश साहब आप जीत गए, हमको सब माओ बहनों की इतनी खुशी हुई कि हमारे घर के कोई मेंबर को कोई चीज़ मिल गई, बोले जैसा हम लोग इतनी खुशी मना रहे, जब से पटाखे फोड़ रहे। गौस भाई कहने आके गौस भाई को मुबारकबाद दे रहे हैं, और गौस भाई भी इतना इतनी मेहनत कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। उन्हों जो पैदल चले हैं, हम लोग देखे हैं, हम 25-30 साल से उनके साथ हम रहे, तो यहाँ आए जब से उनके हाथ पे जमीन। प्रकाश అన్నా మీరు మా బస్తీలో వచ్చారు, మీరు ఏమేమి చేశారో అది వాయిదాలు మొత్తం చేస్తారని మాకు అందరికీ సంతోషం ఉంది. గౌస్ అన్నా మా గురించి ఎంత ఆలోచించారో, గౌస్ అన్నా ముందు నుంచి ఏమేమి చేస్తున్నారో మాకు అందరికీ తెలుసు. గౌస్ అన్నా మీద నమ్మకం ఉంది, మీ మీద నమ్మకం ఉంది, మాది మీరు ఏమేమి వాయిదాలు చేశారో అన్నీ అయితాయని మాకు చాలా సంతోషం ఉంది. रहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जनाब MLA प्रकाश गौड़ साहब का एक फतेह हासिल हुई, और उसके पीछे जो है जनाब मोहम्मद गौड़ साहब जो मेहनत किए हैं। मोहम्मद गौड़ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जब वो सदारत में है और पिछली भी सदारत में रह चुके हैं। ये बस्ती का डेवलपमेंट गौस भाई की सदारत में हुआ। यहाँ पर जो रोड के काम, स्ट्रीट लाइट्स के काम, जितने भी काम हुए, गौस भाई जो है ये कामों को लेके आए, और यहाँ पर जो है गौस भाई को कोई सियासी पहचान की ज़रूरत नहीं है। यह सब जो है गौस भाई के नाम से पहचाने जाते हैं गौस भाई, और गौस भाई जो है जहाँ पर रहे वहाँ पर जो है ये सब गौस भाई के साथ आने वालों में से है। और इंशाल्लाह गौस भाई जो है कोई तारुफ के मोहताज नहीं, गौस भाई का नाम ही काफ़ी है। गौस भाई जो है इतना बेहतरीन काम, डेवलपमेंट का काम यहाँ पर सुलेमान नगर में लेके आए, और ये सब